मध्य प्रदेश में कांग्रेस इन दिनों किसान न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन यह यात्रा जब नर्मदापुरम जिले में पहुंची तो यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर पर बड़ा बयान दिया था। पटवारी ने कहा था कि पैसे देकर कलेक्ट्री ली गई है, जिसके बाद से सियासी पारा गर्मा गया है। पटवारी के बयान पर खुद सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, जिससे कलेक्टर को लेकर दोनों दल फिलहाल आमना सामने नजर आ रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा गर्माता दिख रहा है। पहले यह जानते हैं कि जीतू पटवारी ने नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर को लेकर ऐसा क्या कहा था जिस पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में सोयाबीन के समर्थन मूल्य को लेकर कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। नर्मदापुरम में जीतू पटवारी ने कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कलेक्टर ने पैसा देकर कलेक्टर का पद पाया है। पटवारी ने यहां तक कह दिया कि अगर इनका स्टिंग किया जाए तो पूरा मामला सामने आ जाएगा। जीतू पटवारी के साथ यात्रा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव भी मौजूद थे। जीतू पटवारी के आरोपों पर सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कांग्रेस नेताओं द्वारा नर्मदापुरम जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह प्रदेश के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का अपमान है। प्रदेश सरकार अपने सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से स्टेट से सरकार से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए और अभी भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूँ कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हमारा आंदोलन करना नेता प्रतिपक्ष सहित जिस ढंग से बात थोड़ी रखते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के उनकी एक अलग साख है, वो अलग ढंग से काम करते हैं। ऐसे में राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारे तरह से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इन सारी बातों के लिए वो क्षमा भी मांगेंगे और अधिकारी कर्मचारी हमारी सरकार में बहुत इज्जत से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं और सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी है। उनकी निष्ठा उनकी व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो बेखौफ होकर काम करे, जनता की बेहतरी के लिए काम करे। सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से ठोस काम करती रहेगी। होशंगाबाद का कलेक्टर है, ईमानदारी से उसका स्टिंग हो, मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूँ तो बताएगा कि कितने पैसे में उसने कलेक्टरी खरीदी है। रस्सी जल गई। मध्य प्रदेश में कोई ऐसा एक आम नागरिक हो जो बिना पैसे से किसी सरकारी विभाग में काम करवा सकता हो तो मुझे एक आध उदाहरण लेके आ जाए। जब पैसे देके कर्मचारी काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि बिना पोस्टिंग बिना पैसे दिए वो लाते नहीं है। अधिकारियों को शौक नहीं चढ़ता है करप्शन करने का। करप्शन ऊपर से होता है, नीचे से नहीं होता है। जहां तक प्रश्न है विपक्ष का, हमारा काम है, हमारा जॉब है कि जनता की पीड़ा को सरकार तक लेके जाए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी जली, रस्सी ने जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। आपको सत्ता दी, आप सीएम सिर्फ बीजेपी के नहीं, हमारे भी हैं, जनता के हैं। अगर सीएम साहब को 9 साल 9 महीने में वचन पत्र का एक भी वचन याद नहीं आया, ये घोषणा पत्र है इसमें किसान की एक बात भी याद नहीं आई, तो इसका मतलब है 9 महीने में विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठाए, जनता की बात नहीं करे। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बता पाते हैं कि आपकी सरकार का जो चेहरा है वो कर्ज क्राइम और करप्शन का बन गया? आप क्यों नहीं बता पाते हैं कि माफिया हावी कितने क्यों है? आप क्यों नहीं बता पाते हैं कि 3,000 रुपये बहनों को क्यों नहीं दिया आपने? क्यों नहीं बता पाते हैं कि 100 करोड़ रुपये रोज 100